आप देख रहे हैं बीबीसी लाइव, देश और दुनिया की खबर। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बीबीसी लाइव। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। डीजल चोर चढ़ा सीपत पुलिस के हत्थे, बोलेरो वाहन में घूम घूम कर कर रहे रोड किनारे खड़े वाहनों से लगभग 2000 लीटर डीजल जब्त कर ट्रैक्टर से थाना लाया। करते थे डीजल चोरी। आरोपी दिनेश सोनवानी पिता पंचराम सोनवानी उम्र 30 साल निवासी दर्रा भांटा थाना सीपत। नंबर दो रमेश कुमार रविदास पिता शिव कुमार उम्र 33 साल निवासी हिंडाडी थाना सीपत। राजू पाटनवार पिता स्वर्गीय राम प्रसाद पाटनवार उम्र 30 साल निवासी कुकदा थाना सीपत। उमेद राम पिता बनवाली रविदास उम्र 29 साल निवासी बगडबरी थाना बलौदा जिला। धन सिंह पिता इतवार सिंह गौड़ उम्र 24 साल निवासी बगडबरी थाना बलौदा जिला जांजगीर। जनग्राम पिता हरवंश रोहिदास उम्र 47 साल निवासी बगडबरी थाना बलौदा जिला जांजगीर। राधेश्याम पिता गोवर्धन प्रसाद पटेल उम्र 42 साल निवासी कुकदा थाना सीपत जिला बिलासपुर। सुंदरलाल पिता गोवर्धन प्रसाद पटेल उम्र 47 साल निवासी कुकदा थाना सीपत जिला बिलासपुर। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 23/6/2022 थाना सीपत से थाना प्रभारी विकास कुमार अपने थाना स्टाफ सह उप निरीक्षक भीमसेन राठौर सह उप निरीक्षक सोनवानी प्रा आर 195 उमाशंकर राठौर प्रा आर 95 विजय शर्मा प्रा आर अकबर अली प्रा आर महादेव खुंटे 308 व आर 1359 1105 1075 के साथ जुर्म जरायम स्थाई वारंटी गिर वारंटी पता साजी हेतु ग्राम कुकदा दरभाटा की तरफ रवाना हुए थे। मुखबिर के जरिए से सूचना मिली कि बोलेरो वाहन क्रमांक CG05F0734 एवं CG12AG7659 में उक्त आरोपियान द्वारा घूम घूम कर रोड किनारे खड़ी वाहनों से डीजल की चोरी करते हैं कि सूचना पर उक्त आरोपियों को पूछताछ किया, जो जुर्म स्वीकार करते हुए घूम घूम कर विभिन्न वाहनों डीजल की चोरी लगभग 2000 लीटर कीमती लगभग 1,90,000 रुपए का एवं उक्त दो बोलेरो वाहन आरोपियों के कब्जे से जब्त किया गया। उक्त अपराध धारा के तहत कार्यवाही की गई तथा डीजल खरीदने वाले के विरुद्ध धारा 411 भादवीय के तहत गिर कर कार्यवाही की गई। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बीबीसी लाइव।